वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आंध्र प्रदेश के राजधानी प्रकरण में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। एक या दो नहीं, आंध्र प्रदेश ने अब 3 राजधानी बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। करीब 6 साल पहले राज्य के विभाजन के समय इस प्रदेश ने अपनी राजधानी खो दी थी। मौजूदा राजधानी हैदराबाद प्रदेश से काटकर अलग बनाए गए राज्य तेलंगाना के हिस्से में आ गई थी और इस विभाजन ने आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी के निर्माण की मजबूरी दे दी थी। उस समय के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को एक अत्याधुनिक महानगर के रूप में नई राजधानी बनाने का बड़ा सपना देखा था। इसे उन्होंने प्रतिष्ठा का इतना बड़ा सवाल बना लिया था कि जब अमरावती परियोजना के लिए आर्थिक मदद देने के मामले में मोदी सरकार ने हाथ खड़े किए तो नायडू ने न सिर्फ एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था बल्कि भाजपा से भी अपने पुराने रिश्ते तोड़ लिए थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनकी पार्टी को सत्ता नहीं मिली तो अमरावती का भविष्य भी खटाई में दिखने लगा। राज्य के नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने वहां चल रही तमाम परियोजनाओं पर विराम लगा दिया और यह लगने लगा कि अमरावती अब प्रदेश की राजधानी नहीं होगी। इससे न सिर्फ कई परियोजनाओं पर अधबीच विराम लगने का खतरा पैदा हो गया बल्कि जिले के वे किसान भी नाराज हो उठे जिनसे उनकी जमीन के बदले अच्छी कीमत देने का वादा किया गया था। सोमवार को 3 राजधानी बनाने का जो फैसला हुआ अमरावती भी उसमें होगी। भले ही अमरावती अभी भी राजधानी रहेगी पर नायडू उसे जो आभा मंडल देना चाहते थे वह जगन मोहन ने उससे छीन लिया है। बाकी 2 राजधानियां होंगी विशाखापत्तनम और कुर्नूल। क्या सचमुच आंध्र प्रदेश को 3 राजधानियों की जरूरत है? 6 साल पहले के मुकाबले देखें तो आंध्र प्रदेश अब एक अपेक्षाकृत छोटा राज्य है। जब तेलंगाना भी उसका हिस्सा होता था तब सिर्फ एक राजधानी हैदराबाद से ही उसका पूरा काम चल जाता था। एक राजधानी से चले प्रशासन ने ही उस समय के आंध्र प्रदेश को देश का एक अग्रणी राज्य बना दिया था। समृद्धि और उद्योग धंधों के मामले में भी राज्य ने काफ़ी तरक्की की थी। जब पड़ोसी कर्नाटक का बेंगलुरु आईटी तकनीक में झंडे गाड़ रहा था तब सिकंदराबाद
भी बहुत पीछे नहीं था। हालांकि राज्य के विभाजन की राजनीति में यह गति थोड़ी कम हुई, पर रुकी नहीं। क्या तीन राजधानियां इसे गति दे पाएंगी? मुख्यमंत्री का कहना है कि वह राज्य में सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तीन राजधानी बनाई है। यह कहकर वह दरअसल विकेंद्रीकरण को भी एक नई परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम मानते हैं कि विकेंद्रीकरण वह है जिसमें सत्ता राजधानी तक केंद्रित न रहे, वह नीचे जिले, कस्बे, मोहल्ले और गांव तक पहुँचे। यह लक्ष्य राजधानियों की संख्या बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण की ऐसी अवधारणा कभी नहीं रही। क्षेत्रीय भावनाओं को देखते हुए कई प्रदेशों में दो राजधानियों के प्रयोग किए गए हैं। क्षेत्रीय भावनाओं को संतुष्ट करने के अलावा उनके अन्य फायदे कभी सामने नहीं आए। तीन राजधानियों की घोषणा करके आंध्र सरकार ने इस राजनीति को नया विस्तार दे दिया है। स्टॉप।